The Daily Show with Munir Memon. अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। आज तौहीन अदालत के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। समाअत में जो कल अंदाजे लगाए जा रहे थे कि कोई बड़ी अहम समाअत हो सकती है, कोई बड़ा अहम फैसला आ सकता है, इस तरीके से तो कुछ ना हुआ। और सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने जो ऑब्जर्वेशन शेयर की, उसमें कहा गया कि तौहीन अदालत के मामले में सुप्रीम कोर्ट अपने इख्तियारात को बहुत मोहतात अंदाज में इस्तेमाल करना चाहती है। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो काफिला है वो भी रवां दवा है और असद उमर साहब की क्यादत में ये काफिला आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। शेख रशीद अहमद साहब ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कहा कि हम आइंदा हफ्ते में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जो काफिला है उसका लाल हवेली में इस्तकबाल करेंगे और खुद तहरीक इंसाफ के सरबरा इमरान खान साहब हमारे दरमियान मौजूद होंगे। इसहाक डार साहब और डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की भी एक अहम मुलाकात हुई और इस मुलाकात के बाद भी काफी सारे सवाल खड़े हुए। मैं सबसे पहले जरा आज तौहीन अदालत केस के हवाले से बात करना चाहूंगा और आज हमारे साथ जो स्टूडियोज में मेहमान तशरीफ फरमाया, मैं उनका तारुफ कराता चलूं। मैं सबसे पहले तारुफ कराना चाहूंगा जनाब मुशीर ए सिद्दीकी साहब, पाकिस्तान टेलीविजन का सीनियर नाम है, मीडिया इंडस्ट्री का सीनियर नाम है। साथ में हमें ज्वाइन करें सलमान अहमद नकवी साहब, अगेन एक सीजन एनालिस्ट हैं और जो इनकी ग्रिप है रिगार्डिंग पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी वो बड़ी जबरदस्त है। साथ में हमें ज्वाइन करें इस्लामाबाद से जनाब रिजवान शाह साहब, सीनियर साफी, और ज्वाइन करेंगे हमें जनाब नासिर अजीम साहब जो कि लीगल एक्सपर्ट हैं। नासिर साहब, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज करना चाहूंगा। तौहीन अदालत केस का आज एक मामला था और इसमें हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन भी शेयर की। जो सुप्रीम कोर्ट ने बात कही उसमें जो कुछ निकल के सामने आया, क्या एक्सपेक्टेड था यही कुछ? जी मनीष साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपके चैनल का और तमाम पैनल को भी सलाम। इस हवाले से मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, बात आपका जो सवाल है एक्सपेक्टेड था कि नहीं, एक रूटीन मैटर है। रूटीन मैटर में केस फिक्स हुआ और केस अकॉर्डिंग लॉ फिक्स हुआ आर्टिकल 204 के तहत कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट की, जहाँ तक प्रोसीडिंग चल रही है खान साहब के हवाले से। तो देखें, ये एक प्रोसेस के तहत और एक अकॉर्डिंग लॉ बात हो रही है, तो मैं समझता हूँ कि खान साहब को इस चीज़ को फेस करना चाहिए। और एक्सपेक्टेड यही था कि जो कल कुछ कहा जा रहा था इस हवाले से कि सडनली शाम में इसका तायुन किया गया कि तौहीन अदालत केस की समाअत होगी, कुछ हलकों की जानिब से इस बात का इशारा भी दिया जा रहा था कि कोई सख्त फैसले आ सकते हैं, लेकिन आज इस तरह का कुछ माहौल देखने में नहीं आया। देखिए, अभी तो केस अकेले चल रहा है ना, फैसला तो जजेस का इन राइटिंग आता है और इन राइटिंग ही फैसले का जो कह लें कि नरमी और सख्ती और अगेंस्ट इन फेवर का ना पता चलता है। लेकिन आप ये कहें कि रिमार्क्स को देखा जाए या आप रिमार्क्स को फैसला कहते हैं तो वो एक डिफरेंट चीज़ होती है। अकॉर्डिंग लॉ देखा जाए तो जजेस के फैसले हमेशा लिखे हुए बोले जाते हैं, लिखा हुआ फैसला जो होता है वो ही एक फाइनल जजमेंट कहलाती है। और अभी तो फैसला आना है, फाइनल जजमेंट आनी है, उसके बाद ही इस चीज़ को वाजे हो सकेगी कि इसकी क्या कंप्लीट कह लें पिक्चर आती है। ठीक हो गया रिजवान साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। आप इस तमाम तर सूरत हाल के कानूनी पहलू के अलावा सियासी पहलू से भी काफी ज्यादा आगाह हैं। कल तक मुस्लिम नून के कैंप्स की जानिब से बात कही जा रही थी कि ऐन मुमकिन है कि कोई बड़ा ब्रेक थ्रू मिल सकता है। हम देख रहे थे कि तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब के हवाले से पैर दर पे जो चीजें डेवलप हो रही थी, ऐसा महसूस हो रहा था कि कल कि शायद आज कुछ तहरीक इंसाफ के हवाले से मामला मजीद बिगड़ सकते हैं। ऐसा फिलहाल कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दिया, अब क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है सियासत के मैदानों में? जी रिजवान साहब, नहीं ये तो खैर काफी दफा हुआ कि मुस्लिम लीग नून वालों ने बगैर जो है वो तर्जमा किए जब फैसले पड़े तो मिठाइयां भी खाई और बाद में फिर उस मिठाइयों को जो है उन्होंने इनकारी भी किया। ये तो काफी दफा हुआ है इनके साथ, लेकिन इस सिचुएशन इस वक्त जो है वो सियासी तौर पे आपको पता है एक अहम जो है अपॉइंटमेंट उसके ऊपर रुकी हुई है और अच्छी खासी सियासी गहमा गहमी का शिकार है इस वक्त पूरा मुल्क। तमाम लोग इंतजार में हैं कि वो अपॉइंटमेंट कब आएगी सामने और कौन अपॉइंट होगा। तो ये इस वक्त मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तमाम सियासत का महवर ही अपॉइंटमेंट बनी हुई है जी। तो शाह साहब जरा ये समझाए ना कि ये अपॉइंटमेंट भी चल रही है, हम देख रहे हैं कि खान साहब के हवाले से तौहीन अदालत के मुकदमात भी चल रहे हैं, सडनली तोशाखाना केस का फैसला, तोशाखाना के मामलात सामने आ जाते हैं, फिर अरशद शरीफ साहब की शहादत उससे पहले होती है, इसके ऊपर खान साहब के ऊपर कातलाना हमला किया जाता है। अब पिछले 15-20 दिनों में बहुत कुछ एक साथ होता हुआ दिखाई दे रहा है।
देखिए ये सारा एक आपको पता है कि एक रिएक्शन चल रहा है, हर चीज एक एक अजीब सा एक पाकिस्तान के अंदर इस वक्त लहर आई हुई है, और ये तमाम इन तमाम चीज़ों के ये मसाइल जो है उसका एक ही हल नज़र आता है कि साफ और शफाफ इलेक्शन हो जाए और एक इलेक्शन की डेट दे दी जाए, तो फिर इस सियासी टेम्परेचर को कूल डाउन किया जा सकता है और मुल्क के हालात को बेहतर किया जा सकता है, बेहतर करने की तरफ जाना चाहिए क्योंकि माशी मामला नहायत ख़राब हैं। तकरीबन 75% जो है वो हम डिफॉल्ट की तरफ जा चुके हैं, तो ये मुल्क से ज़्यादा कोई भी चीज़ अहम नहीं है, ना सियासत, ना कोई इदारा, ना कोई शख्सियत। तो मेरा ख्याल है कि अब बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए और फौरी इसका हल निकालना चाहिए। ये आपने बिल्कुल सही कहा। मैं रिजवान साहब आपकी तरफ आता हूँ, रिजवान साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ, लेकिन मुशीर साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। जरा ये टेक्निकल मामलात हैं, पाकिस्तान की सियासत में इवेंट्स कोई नई बात नहीं है, लेकिन गुज़िश्ता 10-15 दिनों में देखें इतने सारे इवेंट्स देखने में आ रहे हैं कि पै दर पे एक के बाद एक खबर आ रही है, एक के बाद एक स्टोरी आ रही है, और ये चीज़ें के रुकने का नाम नहीं ले रही। दूसरी जानब पाकिस्तान की इकॉनमी की बात करें तो वो जो सिचुएशन ऑलरेडी क्रिटिकल है, किस तरफ हम ले जा रहे हैं हमारे मुल्क को, किस तरफ ये मामला जाते दिखाई दे रहे हैं सर? आप इन तमाम बातों में जो आप सवालात किए, मैं एक बात जानता हूँ कि जो अपोजिशन, जो मैं हुकूमत की बात कर रहा हूँ, हुकूमत तो वैसे भी इलीगल है, ये इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, इसको प्लांट किए गए हैं, और मैं इसको इम्पोर्टेड नहीं कहता हूँ, दिस इज़ एन एक्सपोर्टेड एक्चुअली बाई फॉरेन एक्टर्स, जो पाकिस्तान के अंदरूनी प्रॉब्लम या जो भी सूरत हाल है उन तमाम चीज़ों को, चूँकि वो हमारे प्राइम मिनिस्टर को वो लोग लाइक नहीं कर रहे थे बहुत सारी सूरत हाल की वजह से। प्राइम मिनिस्टर का एक अपना एक बैकग्राउंड है, उस वो शख्स जो था बड़ा पॉपुलर था लोगों में भी और पाकिस्तान के तमाम तबके में, उसकी एक से थी उसका एक इन्फ्लुएंस था। तो हुआ यूँ कि ये शख्स शुरू से ही, ये जो इंस्टांस पैदा हुआ कि 2001 में जब अमेरिका ने कोशिश की कि पाकिस्तान में इंटरफियर किया जाए, और पाकिस्तान में इंटरफियर क्यों किया जाए कि वही उसामा बिन लादेन का मसला था कि जिसने ही हैड टेकन रेफ्यूज इन काबुल, सो ही वांटेड विद मुल्ला उमर के ही शुड रिलीज हिम, ही शुड मेक हिम फ्री फ्रॉम काबुल, so that they can catch him and of course he could be penalized for what he has done with the Twin Towers and all that. That is all lame excuses. You can go through with the articles written by many Americans, many Western writers, and who hasn't written about it? So American interference is nothing new in this region. Nothing, absolutely right from it begins from Liaquat Ali Khan, when he did not visit him, I mean he visited Russia later after his visit to America. Yeah. So he probably, the American policy was to indulge in new colonialism. We had already come out from the colonialism, so colonialism was gone. America wanted his influence to be expanded in this region because America ka apna interest is region mein tha. He knew ke Pakistan is going forward towards China and making a good friendship with China. America did not understand ke what China is going to do in future. China ke paas bahut kuch tha karne ke liye, jo usne waqt ke sath sath usne apni economic power ko show kiya. इससे अमेरिका खासा परेशान हुआ, कैसे? अब आप देखिए कि चाइना की जो करेंसी है वो किस कदर स्ट्रॉन्ग हुई है, वो कैसे स्ट्रॉन्ग हुई है, इनकी जो पेट्रो डॉलर की जो पॉलिसी अमेरिकन जो थी विथ शाह फैसल रेफ्यूज टू मेक दिस पेट्रो डॉलर एंड ही वाज किल्ड बाय अमेरिकन्स। दिस इज एन ओपन सीक्रेट, एवरीवन नोज अबाउट इट। तो शाह फैसल को पहले सीन से निकाला गया, फिर देवर
few more people. और आपको लगता है ऐसे ही कुछ पाकिस्तान में भी किया गया तहरीक-ए-इंसाफ के सरबरा के साथ? तहरीक-ए-इंसाफ तो बाद में आती है ना, पहले तो फिर उन्होंने पीपल्स पार्टी के लीडर जो ही वाज क्वाइट वाइब्रेंट जुल्फकार अली भुट्टो, ही वाज क्वाइट वाइब्रेंट एंड ही वांटेड टू बी रिमूव्ड बाय अमेरिका एंड ऑफ कोर्स ही वाज लेटर ऑन रिमूव्ड बाय इम्प्लिकेटिंग हिम इन अ केस व्हिच इज नॉट व्हिच इज नो वे द केस ऑफ भुट्टो. इट वाज अ मर्डर. Undoubtedly, he was involved, implicated by the government. So that was very unfortunate. This external, it's a generation war they have evolved. So generation war one, war two, war three, war four. Now this time we have gone into the fifth generation war, and they're fighting with the economy and trying to make Pakistan position weak and weaker every day. ये बड़े अफसोसनाक सूरत हाल है कि हमारे लोग जो हमारे इकॉनमी पर छाए हुए हैं, जो समझदार लोग हैं, उनको वो किस तरह उनके एजेंट बनकर पाकिस्तान में काम कर रहे हैं और वो हर शोबे में पाकिस्तान के हैं और बड़ा हार्ड स्ट्राइक कर रहे हैं हमारी इकॉनमी को. और आपने इकॉनमी की बात की, मैं आपसे इधर आता हूँ सलमान साहब. जिस तरीके से शाह साहब ने फरमाया, मुशीर साहब भी फरमा रहे थे, इस वक्त हम देख रहे हैं कि एक तरफ लीगल बैटल है, हमारी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, और उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान का डिफॉल्ट रिस्क है वो सडनली इतना तेजी से ऊपर की तरफ जा रहा है कि लास्ट मंडे वो 65% पे था और आज तीन दिन के अंदर, चार दिन के अंदर वो 75% पे आ गया. और अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये जो डिफॉल्ट रिस्क है, अगर पाकिस्तान जैसे मुल्क की बात करें, अप टू 5-10% इज एक्सेप्टेबल. इसके ऊपर जब ये जाने लगता है तो अलार्मिंग सिचुएशन होती है. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम. बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं. इस वक्त 75% डिफॉल्ट का परसेप्शन इंडेक्स है. ये परसेप्शन है कि पाकिस्तान 75% परसेप्शन इज ग्रेटर देन रियलिटी मोस्ट ऑफ द टाइम्स. डेफिनेटली, बट इट इज परसेप्शन. और यही अब इन्वेस्टर्स का जो भी सूरत हाल है वो तो है ही है. अच्छा, एक थोड़ा सा मैं कमेंट देना चाहता हूँ कि एक घड़ी का इशू आजकल चल रहा है, तोशाखाना. मैं उसके तरफ आता हूँ सामान, लेकिन मैं चाहूंगा जरा इसके ऊपर पहले क्लियर. अच्छा देखें, प्रॉब्लम यह है कि हमारा जो रिजर्व है इस वक्त स्टेट बैंक का तकरीबन $7.9 बिलियन का है और ये हार्डली 36 या 35 डेज की इंपोर्ट बिल को कवर करता है. जो कंट्रीज सेफ कंसीडर करे जाते हैं या एक नॉर्मल एक समझा जाता है, कम से कम 3 महीने का अगर इंपोर्ट बिल कवर करने के आपके पास डॉलर हो तो वो मुल्क महफूज समझा जाता है. तो एक तो ये वजह हो गई. सेकेंडली, इसके साथ साथ हमारी जो करेंसी है वो आपको पता है रोज़ाना डेप्रिशिएट करती है. डॉलर तकरीबन 24% डेप्रिशिएट कर गया पिछले 2-3 महीने में डॉलर. और स्टिल जो रेट इस वक्त आता है वो जेन्युइन नहीं है. अगर रियलिटी में जो इम्पोर्टर्स को ऑफर जो डॉलर्स मिल रहे हैं वो शायद 250 रुपये पर भी नहीं मिल पा रहा है. बिल्कुल सही. तो ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जिसकी वजह से एक परसेप्शन ये बन चुका है. थोड़ा सा मैं इसको और अगर फर्दर मैं एक्सप्लेन कर दूं कि हमारे जो कर्जों की नोयत है, डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि कर्जे हम वापस नहीं कर पाएंगे, इट इज़ कॉल्ड डिफ़ॉल्ट. तो या जो हमने अगले चंद महीनों में देना है उसमें जो बायलेटरल कर्जे हैं वो 40% हैं, जैसे सऊदी अरब से, चाइना से, कतर से, UAE से वगैरह से. और मल्टीलेटरल जो है वो वर्ल्ड बैंक वगैरह से और बाकी वो तकरीबन 40% है. 7% कमर्शियल लोन है. ये ख़तरनाक होता है क्योंकि कमर्शियल लोन अमूमन इंडिविजुअल्स के थ्रू मिलता है और वो बार्गेनिंग नहीं करते हैं, वो वापस करना ही होता है वक्त पे, उसमें कोई कंप्रोमाइज़ वो नहीं करते. अल्हम्दुलिल्लाह वो सिर्फ 7% है. लेकिन अब सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस पाकिस्तान आ रहे थे तो कोशिश यही थी कि उनसे हम अपने रोल ओवर की बात कर लें, इस तरह की बात कर लें, जो भी उनके हमने वो भी एक मफरूजा था कि वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे. वो उसके ऊपर आता हूँ सलमान साहब. मैं मुझे एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं जी. ब्रेक के बाद आएंगे, जरा दीगर मामला के ऊपर ही बात करेंगे क्योंकि ये जो एक मामला चल रहा है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर सकता है, दूसरी जाने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे भी काफी ज्यादा उतार चढ़ाव नजर आ रहे हैं. तोशाखाना केस के हवाले से भी हमने देखा जो डेवलपमेंट हुई, अब उसमें भी एक ड्रामाई मोड नजर आ रहा है, उसके ऊपर बात करेंगे. ब्रेक लेते हैं जी. ब्रेक के बाद आते हैं. आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन.
आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। हमने देखा कि गुज़िश्ता दिनों में जो तौहीन अदालत का मामला था वो तो अपनी जगह पर रहा ही, लेकिन तोशाखाना केस का एक फैसला आया। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने पाकिस्तान तरीके इंसाफ के सरबरा इमरान खान साहब को नाइल किया, लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल के बाद जब दो रोज पहले तमाम तर सूरत हाल ने ड्रामा मोड़ लिया, तो फिर अब जो सूरत हाल सामने आ रही है कि एक बेयकीनी की सूरत हाल है, अनक्लियर सिचुएशन है। और इसमें जो सबसे बड़ा नुकसान जो मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान में इंटरनल पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं हम अपने दोस्त ममालिकों को भी नहीं बख्श रहे। हम ये भी नहीं देखते कि इस तमाम तर सूरत हाल का नतीजा हमारे फॉरेन पॉलिसी के ऊपर आने वाले सालों में क्या हो सकता है। ये बड़ा अहम सवाल है। शाह साहब मुझे जरा ये बताइएगा आप कि ये जो तोशाखाना का जो मामला चला और हमने देखा कि इसमें काफी सारी चीजें आई, मुझे जरा लीगली समझाएं कि अगर एक शख्स जो गवाही दे रहा है वो खुद बहुत सारे मामलात के में मतलूब हो, तो क्या उस तरह के शख्स की गवाही मानी जाती है? क्या उस तरह के शख्स की गवाही तस्लीम की जा सकती है? इसका तो मैं आपको एक सिंपल सा एक मशहूर जो है वो मुहावरा है कि ख्वाजा का गवाह डड्डू। ये बेसिकली बात यह है कि आप देखें ये इल्जाम तराशियां और इश्यूज की सियासत हो रही है इस वक्त, जबकि एक शख्स ने लीगली टैक्स पे किया है, उसके बाद वो घड़ी उसकी मिल्कियत है। वो घड़ी किसी को बेचे, किसी को डोनेट करे, वो घड़ी घर के अंदर रख दे, ये उसका एक लीगल राइट है। ये एक इश्यूज की सियासत हो रही है और बड़े अफसोस के साथ कि सियासत में हम आलमी तनाजुर में बड़े मजाक का हिस्सा बनते जा रहे हैं। पाकिस्तान में एक मतलब पाकिस्तान का एक मजाक उड़ रहा है, तो ये कोई मुनासिब चीज़ें नहीं लगती। ये एक बहुत गैर फितरी सियासत हो रही है, एक मैं समझता हूँ घटिया किस्म की कोशिशें हो रही हैं जो इश्यूज की सियासत हो रही है इल्ज़ाम तराशी की। इसको कहीं ना कहीं रुकना चाहिए लेकिन इसका एक लीगल पहलू मैं जरा ले लूँ नासिर साहब से। नासिर साहब मैं चाहूंगा आप भी जरा इसके ऊपर बताएं कि इसका तमाम तर सूरत हाल का लीगल पहलू क्या है। जी मनीष साहब सवाल जरा रिपीट करें। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कोई ऐसा शख्स जो कि ऑलरेडी बड़े सारे केसेस में मतलूब हो, जिसके हवाले से ऑलरेडी क्रेडिबिलिटी के इश्यूज हो, क्या उस तरह के शख्स की कोई गवाही मानी जा सकती है? जो हम तोशाखाना केस में देख रहे हैं कि उमर फारूक साहब आए, उन्होंने जो इल्जाम लगाए या उन्होंने जिन बातों का खुलासा किया व्हाट्स एवर, तो उनकी जो बात है वो कोर्ट में किस तरीके से जस्टिफाई हो सकती है? मनीष साहब इस पे दो चीजें, एक तो ये कि जो कन्विक्टेड शख्स होता है सजा याफ्ता, अगर उसकी गवाही की बात करें तो मैं समझता हूँ कि उसकी गवाही को मानना मुनासिब नहीं होता। लेकिन आप कहें कि किसी पे केसेस चल रहे हैं, कोई अंडर ट्रायल है, कोर्ट्स में प्रोसीडिंग्स चल रहे हैं, कोई एब्सकॉन्डर हो, तो उसकी भी गवाही के ऊपर मानी जा सकती है? देखें मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर तो उसके खिलाफ कोई मुकदमे चल रहे हैं, जेरे इल्तवा मुकदमे हैं, तो फिर तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप ये कहें कि वो कन्विक्टेड है, कन्विक्टेड शख्स और सर अगर कोई वांटेड है और कन्विक्टेड नहीं है, अगर कोई शख्स वांटेड है और कन्विक्टेड नहीं है, तो फिर उसकी सिचुएशन क्या होगी? देखिए वांटेड का ये ना कि अगर वो इश्तियारी हुआ हुआ है, वो कोर्ट में प्रोसीडिंग अटेंड नहीं कर रहा और वहाँ से उसके वारंट जारी हुए हैं और वो इश्तियारी है, और फिर तो सिचुएशन और है। लेकिन अगर कहा जाए कि सजा याफ्ता है, तो सजा याफ्ता भी डिफरेंट सिचुएशन में खड़ा होता है। और अगर कहा जाए कि आप ये कहें कि वो सजा याफ्ता नहीं है, उसके सिर्फ मुकदमे चल रहे हैं और वो इश्तियारी भी नहीं है, तो ये तीनों स्टेजेस अलग अलग हैं, तीनों के रोल अलग अलग हैं, तीनों की सिचुएशंस अलग अलग हैं। और एक चीज और बताइएगा, अगर कोई शख्स ये क्लेम करता है कि उसने कोई चीज 2019 में खरीदी, उसका खुलासा वो 2 साल 2.5 साल के बाद करता है, तो क्या उसकी वो बात मानी जाएगी? मनीष साहब आपकी मुझे आवाज क्लियर नहीं आ रही। सर मैं ये कह रहा हूँ कि कोई शख्स कहता है कि उसने कोई चीज 2019 में परचेज की और 2.5 साल बाद अब उसको इस बात का ख्याल आता है कि सडनली वो आए और मीडिया पे आके उस तमाम तर सूरत हाल का खुलासा करे, तो वो बात तस्लीम की जाएगी एक ऐसे सिस्टम के ऊपर जो खुद कहता रहा कि बेनिफिशियरी है उस सिस्टम का, आज उसी सिस्टम के बारे में अगर आके कुछ कहता है तो वो बात तस्लीम की जा सकती है? मनीष साहब देखें सवाल ये पैदा होता है कि पहली तो बात ये कि क्या घड़ी वाकई में बेची गई। देखिए ना पहला सवाल तो ये है, अगर बेची गई तो फिर इसमें क्या कबात रह जाती है कि कह दिया जाए कि हाँ जी फलां शख्स के पास इस वक्त मौजूद है। अगर फलां शख्स कह रहा है कि घड़ी मेरे पास मौजूद है, इट्स मीन कि बेची गई ना। तोशाखाना से अमाउंट जितनी भी सबमिट करवाई गई हो कानून के मुताबिक, लेकिन उसके बाद उसको बेच दिया गया,
उसको अपने पास नहीं रखा गया, उसको अपनी रियासत में नहीं रखा गया, उसको आउट ऑफ दी कंट्री भेज दिया गया, या वो आउट ऑफ दी कंट्री दूसरे तीसरी बार बिक के चली गई है। तो अगर कोई शख्स कहता है कि वो फलां घड़ी, वो फलां पीस मेरे पास मौजूद है, तो मैं समझता हूँ इसमें कोई गवाह तो नहीं है। अगर वो कहता है तो उसको मान लेना चाहिए, उसने अगर कहता है मान लेना चाहिए, लेकिन जो बेच रहा है शख्स उसके ऊपर भी तो उसके ऊपर कोई कदगन या उसके ऊपर भी तो कोई मुकदमा दिया, मॉरल मॉरल प्रिंसिपल ग्राउंड्स के ऊपर उसके ऊपर भी तो कोई बात नहीं की जा सकती ना। फिर मैं ये कहूँ मुनीर सर, बड़ा खूबसूरत सवाल आपका, आप ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या उस पर मुकदमा खान साहब कर सकते हैं पाकिस्तान तहरीक, क्या खान साहब के ऊपर इसके ऊपर मुकदमा हो सकता है? मेरा सवाल ये है सिंपल सा सर जी, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि देखें उस पर किस चीज का मुकदमा करेंगे कि इसने घड़ी हमसे खरीदी है और ये कह रहा है कि घड़ी खरीदी है। हाँ। सर मेरा सवाल है कि क्या खान साहब के ऊपर इसके ऊपर मुकदमा बनाया जा सकता है? खान साहब को किसी भी तौर पे इस पे कटघरे में खड़ा किया जा सकता है? मुनीर साहब वो ये कह सकते हैं कि घड़ी इस शख्स ने हमसे नहीं खरीदी बल्कि हमने किसी और को बेची है, ये मुकदमा कर सकते हैं। ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया नासिर साहब, आपका पॉइंट आ गया। नासिर साहब जो घड़ी खरीदता है, घड़ी उसकी मिल्कियत होती है या नहीं होती है? बिल्कुल होती है, कानून के मुताबिक मिल्कियत होती है। मुझे ये बता सकते हैं कानून के मुताबिक, क्योंकि मैं आपकी एक्सपर्टीज को चैलेंज नहीं कर सकता, आपका माशाल्लाह बड़ा नाम है, और उसमें मुझे आप ये बताएं कि क्या कोई ऐसा लॉ है कि उस चीज को जो मिल्कियत खरीदी गई है उसको कहीं कोई बाहर नहीं बेच सकते या किसी और जगह नहीं बेच सकते, कोई ऐसा लॉ है क्या? देखें रिजवान साहब, बात यह है कि उसको कहीं भी बेचा जा सकता है। देखें आपकी मिल्कियत कोई चीज है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसको तो आप कहीं भी बेच सकते हैं। तो अभी तो आप कह रहे थे कि वो बाहर बेची है, तो ये मतलब बाहर बेचने पे आपने अभी एतराज किया था? नहीं, बिल्कुल मैंने एतराज नहीं किया, मैं ये कह रहा हूँ, मुझसे सवाल ये हुआ मुनीर साहब की तरफ से कि क्या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ उस शख्स पे केस कर सकती है, उमर नामी शख्स पे जो ये क्लेम करता है कि फलां घड़ी मेरे पास। सर आपका पॉइंट आ गया, रिजवान साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ, रिजवान साहब मैं आपकी तरफ भी आता हूँ, नासिर साहब आपकी तरफ भी आता हूँ, लेकिन मैं मुशीर साहब आपसे पूछना चाहूंगा, ये जो ड्रामाई सूरत हाल देखने में आ रही है पाकिस्तान की सियासत में या पाकिस्तान में, वज़ीरे आज़म की जानिब से तोशा खाना के तहाइफ रखने और उनको फरोख्त करने की कहानी पहली दफा नहीं हो रही। माजी में कई सारे ऐसे वज़ीरे रहे, वज़ीरे आज़म रहे, जिनको ये तहाइफ मिले, जिन्होंने कम कीमतों पे तहाइफ वसूल किए और फिर उसके बाद ना जाने उनका क्या क्या, उसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। सर इस बार ये शोर क्यों है, ये हंगामा क्यों बर्पा किया जा रहा है? देखिए असल में सारा जो 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 हदफ है वो टारगेट जो है वो हमारा पीटीआई का लीडर है, अब उसको किसी कॉन्ट्रोवर्सी में उसको फंसाना है, ये टाइम बाय कर रहे हैं। ये जो इस वक्त प्लांटेड गवर्नमेंट है, मैं इसको प्लांटेड कहता हूँ, इसको दरअंदाज गवर्नमेंट कहता हूँ, मैं इसको एक्सपोर्टेड गवर्नमेंट कहता हूँ फ्रॉम द अदर कंट्री, फ्रॉम द बिग कंट्री। तो ये गवर्नमेंट को इस मुल्क से कतन कोई दिलचस्पी नहीं है, ये एक पुरसकून माहौल में शोर पैदा करना चाह रहे हैं और अपनी कोई हैसियत किसी भी हैसियत को मनवाना। मुझे एक सवाल, आप सीनियर हैं, मुझे बताइए इस बारे में, इस वक्त हम तमाम तर सूरत हाल को इतना ज़्यादा शेडी कर रहे हैं कि हमारा एक दोस्त मुल्क है सऊदी अरब, हम अपने दोस्त मुल्क के साथ भी हमारे मामलात खराब हो सकते हैं हमारी इंटरनल सियासत की बाइस, हम इसकी भी परवाह नहीं कर रहे, ये कौन सी तर्ज सियासत हुई? देखिए मैं एक बात बताऊँ कि तमाम चीज़ों का दारोमदार नियत पर है जी, इन मला मालो बिन नियात, अगर आपकी नियत ठीक नहीं होगी और आप पहले से ये तय कर बैठे हैं कि मैंने इनको इस केस में फंसाना है, इस केस में इम्प्लिकेट करना है, इस केस में इम्प्लिकेट करना है, अगर इनका यही मतमय नज़र है तो मेरी नज़र में फिर पाकिस्तान का कोई भी शख्स सेफ नहीं है। तो इमरान ख़ान की हैसियत को तो ये पा नहीं सकते, इमरान ख़ान ने अपनी पोजीशन को लोगों में अवाम में, आपको लगता है कि खान साहब के हवाले से जो तोशा खाना का मामला आया इससे खान साहब का वोटर डिसइंटीग्रेट होगा, डिसकनेक्ट हो जाएगा? कतई नहीं, उसके वोटर्स को उसके उसके बॉडी में एक डेंट नहीं पड़ेगा। मैं रिजवान साहब आपसे भी सवाल यही होगा, आपको लगता है रिजवान साहब की जो तोशा खाना का जो ये मामला आ रहा है और उसमें हम देख रहे हैं कि हर रोज एक नई कहानी निकल के सामने आ रही है, इसके बाद क्या ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का जो वोटर सपोर्टर जो है वो खान साहब से दूर हो जाए या खान साहब से डिसकनेक्ट हो जाए?
देखिए मुनीर भाई, इसके अंदर एक आपको एक बात समझनी पड़ेगी, आपके सवाल के पस मंजर में एक बात और भी आपको समझनी पड़ेगी। ये उस वक्त शायद डैमेज होता खान साहब को जिस वक्त तमाम जितने भी तोशा खाने के बेनिफिशरी जो हमारे माजी में रह चुके हैं उन सब के खिलाफ केसेस होते हैं या उन सब का एक हिसाब किताब आता, लेकिन जब आप एक ही बंदे को निशाना बनाते जाएंगे तो जाहिरी बात है पब्लिक की तो हमदर्दी उसी के साथ होगी, ऑलरेडी उसके साथ हमदर्दी है पब्लिक की, तो मुझे तो लगता है कि खान साहब को और ये मकबूल कर रहे हैं इस तरह के। और रिजवान साहब एक सवाल एक और ऐड भी कर देते हैं, मुझे इस तरह ये बताइए कि इस वक्त अगर मौजूदा गवर्नमेंट इस तोशा खाना को लेके इतनी ज्यादा फिक्रमंद है तो क्यों आज गवर्नमेंट ये कानून नहीं पास कर देती कि आज के बाद जो तहाइफ वसूल किए जाएंगे वो हुकूमत अपने पास, हुकूमती वज़रा अपने पास नहीं रखेंगे, वो रियासत की प्रॉपर्टी होगी, उनका बाकायदा ऑक्शन किया जाएगा या म्यूजियम में सजा दिया जाएगा, आज ये हुकूमत ये कानून पास कर दे तो ये मामला ही कमीशन के लिए खत्म हो जाए। सर देखें, पहले इसके ऊपर 20% ड्यूटी थी, 20% इनकम टैक्स था, ये खान साहब ने 50% किया था। एक शख्स उसको बढ़ा भी रहा है कि मुल्क के खजाने में इजाफा हो, उसी को आप कह रहे हैं कि ये घड़ी बेचकर जा रहा है, तो वो जो बाकी गाड़ियां गई हुई हैं जो उन्होंने अपनी मिल्कियत बनाई हुई है वो गाड़ियां कहाँ हैं, उसका हिसाब क्यों नहीं देते। देखें इंसाफ या आप उस पर क्वेश्चन कर सकते हैं जब आप तमाम जो है पार्टी जिनके ऊपर इल्जाम हैं उनके बारे में भी बात करें। ये तो साफ नजर आ रहा है कि आप एक शख्सियत को निशाना बना रहे हैं, एक पार्टी को निशाना बना रहे हैं और ये इंतकामी कार्रवाई नजर आ रही है। ठीक तो हो गया, आपका आपका पॉइंट आ गया, मुझे सलमान साहब से जरा बात करने थे। सलमान साहब ये जरा देखिए ना, ये जो सूरत हाल है ये कोई नई बात पाकिस्तान की सियासत में नहीं है। मुझे हैरानी इस बात की है कि इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट को चाहिए कि आज पाकिस्तान के कयाम से लेकर आज तक जितने तारीफ मिले, किस किस ने ले लिए, किस किस ने मुल्क में छोड़ दिए, रियासत के हवाले कर दिए, उसकी फहरिस्त जारी कर दे और आने वाले वक्तों के लिए एक ऐसा कानून पास कर दे कि कोई वजीर उसमें वो तहाइफ ले ही ना सके, तो गवर्नमेंट क्लियर हो जाएगी, गवर्नमेंट की तो मजीद साख में इजाफा होगा। गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही है काम? देखें मैं थोड़े एक नए एंगल से जो सबको पता है मैं बात करता हूँ कि जैसे ही छड़ी का मसला हल होगा घड़ी का मसला भी हल हो जाएगा, सारा जोर सारी 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 कंसंट्रेशन वहीं है और जैसे ही ये मामला हल होंगे एक प्रेशर डेवलप करा जा रहा है ताकि कहीं पर कोई बात मनवाई जाए, अदरवाइज लॉजिकली किसी सूरत में भी किसी फोरम पे भी किसी जगह पे भी ये बात आप लेकर चले जाएं कि घड़ी पाकिस्तान की तबाही की जिम्मेदार है, पाकिस्तान को डिफॉल्ट करने की जिम्मेदार है, पाकिस्तान में अरबों खरबों की करप्शन की जिम्मेदार है, सिंध को डुबोने की जिम्मेदार है, नॉट एट ऑल, इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। और वो घड़ी है जी हाँ, और उसकी वैल्यू आप कितनी लगा सकते, तो डेफिनेटली टारगेट कुछ और है और ये मामला मैं समझता हूँ इनको जल्द से जल्द कर लेने चाहिए। सुनने में ये आता है, अंदाजा ये है हमेशा एक नेक्स्ट वीक होता जाता है और आप एक नेक्स्ट वीक टाइम बाय करा जा रहा है, नेक्स्ट वीक तक ये मामला हल हो जाने चाहिए इससे रिलेटेड, क्योंकि जैसे कि इकोनॉमी का आप जिक्र कर चुके हैं और जिस तरीके से इकोनॉमी जिस स्टेज पर पहुँच चुकी है, मैं समझता हूं कि इस मामले को जितनी जल्दी हो सुप्रीम कोर्ट इसमें इन्वॉल्व हो, इसमें छड़ी वाले इन्वॉल्व हो, जो भी हो मुल्क के लिए सोच के इसको जल्द से जल्द सॉल्व। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और मैं नासिर साहब आपसे भी सवाल ये करना चाहूंगा ब्रेक पे जाने से पहले, मुझे ये बताएं कि अगर ये जो तोशा खाना वाला जो मैटर है, इस तोशा खाना वाले मैटर में अगर इस वक्त ये केस खान साहब के खिलाफ आ जाता है, व्हाटसोएवर जो सिचुएशन बनती है, आपको लगता है कि फिर माजी के तमाम तर तहाइफ उनकी तफसीलात के ऊपर ये एक पिंडोरा बॉक्स खुल जाएगा जिसके ऊपर फिर मजीद आने वाले वक्तों में केसेस होते हुए दिखाई देंगे हमें? देखिए मुनीर साहब, बात ये है कि तोशा खाना की आप बात कर रहे हैं, देखिए पहली बात जो रिजवान साहब कर रहे थे और आपके जो स्टूडियो में मौजूद साहब फरमा रहे थे कि ये कह लें कि इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, इस पर जवाब ये होना चाहिए था जब उमर साहब की एक इंटरव्यू सामने आया घड़ी के हवाले से, तो उन्हें से खान साहब को तो इस बात को बॉदर ही नहीं करना चाहिए था, इसको रिस्पॉन्स जवाब नहीं देना चाहिए था। देखिए ना, घड़ी वाकई में बिक गई है ना, बिक गई है, वो कहते हैं उस शख्स के पास नहीं है, फलां के पास है, फलां के पास नहीं। देखें अब बात आप कर रहे हैं कि क्या तोशा खाना वाला मामला, तमाम जितनी भी प्रीवियस हिस्ट्री है, तमाम वज़रा आज़म गुजरे, क्या तोशा खाना से मुख्तलिफ अशिया निकाली गई, किस अमाउंट पे निकाली, क्या तरीका किया गया, कौन कौन सी चीज़ गायब है, कहाँ कहाँ पहुँच चुकी है इस वक्त, किस किस रियासत का तोहफा कहाँ कहाँ इस वक्त मौजूद है। बात यह है कि अगर खान साहब की बात की जाएगी तो ऑब्वियसली जो सबका वज़ीर आज़म है उनकी बातें भी निकलेंगी और होना भी चाहिए। देखें
खान साहब को भी अगर कटहरे में लाया जाए तो तमाम जितने प्रीवियस हिस्ट्री के पाकिस्तान की इस प्राइम सीटों पे बैठे हुए लोग हैं उनसे ये तफ्तीश होनी चाहिए कि तोशा खाना से कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ ले जाई गई, किस किस ने इसको बेच दिया गया, और जो फैसला खान साहब के केस में आना चाहिए मैं समझता हूँ तमाम लीडरान उसको फेस करें और तमाम लीडरान के खिलाफ। बिल्कुल सही हो गया, आपका पॉइंट आ गया, मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आते हैं तो ये सवाल होगा कि जो हुकूमत की जानिब से इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च की या धरने की जो इजाजत अब तक ना दी गई इसके पीछे क्या वजूहत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अब आइंदा मामलात के ऊपर क्या रद्दअमल होगा। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद हाजिर। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। जरा ये सवाल आज जेर बहस आया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब तक इस्लामाबाद में जलसे की, धरने की या प्रोटेस्ट करने की, एक्सरसाइज करने की अपने लीगल मामलात को इजाजत क्यों नहीं दी जा रही। आज भी अदालत में सवाल उठाया गया और इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्यादत ने भी बहुत से सवाल किए, लेकिन ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा होगा कि अगर किसी सियासी जमात को अपना सियासी हक इस्तेमाल करने की इजाजत ना दी जाए। रिजवान साहब पहले तो ये खबर बता दें कि क्या खबर है कि तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद में एंट्री की इजाजत नहीं मिल रही। सर ये पाकिस्तान की सियासत में कोई नया मोड़ दिखाई दे रहा है? देखिए ये थोड़ा सा इसको मजीद डिटेल में जाते हैं कि इस्लामाबाद आने की इजाजत से मशरूत नहीं है, ये रेड जोन में जाने की इजाजत से मशरूत है। सर रेड जोन की हदूद तो तकरीबन इस्लामाबाद ने फैला दिया है ना? सर रेड जोन पूरा इस्लामाबाद तो बना नहीं सकते ना, रेड जोन अभी आपारा तक ले आए हैं लेकिन पूरा इस्लामाबाद तो रेड जोन नहीं हो सकता। इस्लामाबाद तो बहुत बड़ा है, उसमें तो पहाड़ भी है, उसमें तो कश्मीर से भी रास्ते आते हैं, मरी से भी रास्ते आते हैं, रियाद से भी रास्ते आते हैं। तो बताए ना सर ये क्या होने जा रहा है, क्योंकि अगर हुकूमत इजाजत नहीं देती तो क्या हुकूमत चाहती है कि खान साहब फिर से तौहीन अदालत के मामलात में उलझें, क्या इसमें होता है, क्या दिखाई दे रहा है? सर अगर खान साहब इस्लामाबाद की सराउंडिंग में आकर बैठ जाते हैं और उनके साथ जिस तरह उनका ख्याल है और एक्सपेक्टेड है कि काफी लोग होंगे तो उस सूरत में क्या करेंगे, स्टक तो फिर भी सब कुछ हो जाएगा। तो आपको लगता है ये ऑप्शंस हैं कि खान साहब पिंडी तक आ जाएं और पिंडी में अपना कैंप बना लें? सर पिंडी का कैंप का तो आपको समझ ही है सारी, लेकिन सूरत हाल ये है कि खान साहब बिल्कुल वेट कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं खान साहब इस वक्त वेट कर रहे हैं। खान साहब ने दो दिन पहले एक स्टेटमेंट भी दी थी कि हम इस मामले को देख रहे हैं और वो अपॉइंटमेंट के मामले को देख रहे हैं। मुझे ये लगता है कि जैसे ही अपॉइंटमेंट का मामला हल होगा तो खान साहब के लॉन्ग मार्च के अंदर एक तेजी आ जाएगी। शाह साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ लेकिन मुझे जरा मुशीर साहब के जानने दें। सर मुझे ये बताइए कि ये जो कहा जा रहा है कि इजाजत नहीं मिल रही, तहरीक इंसाफ को अगर जलसा करने की इजाजत ना दी गई ऑप्शन क्या रह जाते हैं? इजाजत किस चीज की मुझे ये बता दें। सर इस्लामाबाद में आके प्रोटेस्ट करने की ये इजाजत की कतई जरूरत नहीं है, ना परमिशन लेने की जरूरत है। हम सब पाकिस्तानी हैं, हमारा बेसिक राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी प्रोविजन दी गई, तो किसी को आप ज़बरदस्ती किसी जगह जाने से, अब ये ऐसे ही लगता है कि मैं अगर आपको अपने ही घर में जाने से मैं रोक दूं तो आप गवर्नमेंट का इख्तियार है, गवर्नमेंट इख्तियार इस्तेमाल कर सकती है? नहीं कोई नहीं, कतई नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी किस्म का नॉट ए बुलेट कैन बी फायर्ड। इतनी इस्लामाबाद में पुलिस खड़ी कर दिया, सब कुछ कर सकते हैं वो खड़ी करके, ये सिर्फ लोगों को एक डराना धमकाना, जो वहाँ के अवाम हैं, जो सपोर्टर्स हैं, जो वोटर्स इस्लामाबाद के डायनेमिक से वापस आए। अच्छी तरह इस्लामाबाद में इस वक्त कोई पहली दफा तो नहीं हो रहा कि कोई धरना होने जा रहा है, कोई एहतजाज होने जा रहा है, माजी में बहुत बार हुआ, इस बार क्यों इतना ज्यादा इसको गवर्नमेंट की जानिब से रोका जा रहा है, क्यों गवर्नमेंट रिलक्टेंट है? इसकी वजह ये है कि गवर्नमेंट तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है ही नहीं, उनको पाकिस्तान के अवाम से कोई दिलचस्पी नहीं है, वो मरते हैं मरे, वो गोली खाते हैं गोली खाएं, ये गवर्नमेंट पाकिस्तान की लोगों के हमदर्द नहीं है। इस्लामाबाद पुलिस या जो सिंध से जो पुलिस गई है उनको कतल, वो लोगों पे अपने लोगों पे गोलियां चलाएगी? नहीं वो गोलियां वो नहीं चलाएंगे, अगर वो गोलियां अगर चलाएंगे
तो यकीन करें इसका बहुत गलत, बड़ा नेगेटिव मैसेज सारी दुनिया को जाएगा, और फिर उसके बाद अवाम में बड़ी बेचैनी, और उसके बाद बहुत बहुत कुछ हो जाएगा जो मैं बता नहीं सकता इस वक्त के क्या क्या हो जाएगा। सलमान साहब, आपको लगता है कि इस्लामाबाद में अगर इजाजत ना दी गई तो भी तरीके इस्लामाबाद का रुख करेगी? देखें, मैं ये जरूर कहूँगा कि जमहूरी हक है, कोई डेमोक्रेटिक एथिक्स में ये शामिल है, और इस तरह के 127 किलोमीटर पर फैली हुई हुकूमत एक पूरे मुल्क के रिप्रेजेंटेटिव को इस तरह से रोक नहीं सकती। बिलाखिर कोई अखलाकी जवाब नहीं है कोई। जी हाँ, और बिलाखिर मैं समझता हूँ कि खान साहब, सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर कोई अदालती कार्रवाई हो सकती है अगर गवर्नमेंट इजाजत ना दे? इज इट अ पॉसिबिलिटी कि तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट को चैलेंज करे अदालतों में? मेरा ख्याल है गए हुए भी हैं, इस तरह की दरखास्तें हैं जी, बिल्कुल जो जो मौजूद हैं और गए हुए भी हैं, और इजाजत भी मांगी जा रही है, और पिछले धरने में सुप्रीम कोर्ट ने खास हिस्से में आने की इजाजत दी थी, तो उसका मतलब है कि एक लीगल फ्रेमवर्क मौजूद है। गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से कह दिया कि हम इस्लामाबाद में एंट्री की आपको इजाजत नहीं दे सकते, मगर कानूनी तरीके से नहीं रोक सकते। कानूनी तरीके से नहीं रोक सकते, आप बिल्कुल नहीं रोक सकते। आप अपने घर में जाने से मैं आपको कैसे रोक सकता हूँ, मुझे ये बताएं आप। आप अपने घर में आपकी एक्टिविटीज हैं, आप गेम खेलें। हमने अभी देखा रिसेंटली, जब आज से 3-4 साल पहले जब एक इंसिडेंट हुआ पाकिस्तान टेलीविजन के ऊपर, हमने देखा कि लोग चले गए थे सुप्रीम कोर्ट के हाथे के हवाले से, भी हमने सूरत हाल देखी थी। मुझे एक बात बताए, अगर तरीके इंसाफ एक बड़ा लॉन्ग मार्च लेके 0 पॉइंट पे आ जाती है, क्राउड है, क्राउड मुश्तैल हो जाता है, टाइम्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, बिल्कुल वो अगर क्राउड तमाम बैरियर्स बैरिकेड्स को उड़ाता हुआ इस्लामाबाद के अंदर दाखिल हो जाता है, देन हु विल बी रिस्पांसिबल? आपकी सबसे पहले हमें हुकूमत जो इस वक्त है प्लांटेड हुकूमत, पहले ये तय करें कि प्रायोरिटी क्या है। प्रायोरिटी उनकी अपनी सेफ्टी है या आवाम की सेफ्टी है, या जो जो उस पार्टी की सेफ्टी, पार्टी के अवाम के सपोर्टर्स की सेफ्टी है, या वो चाह रहे हैं सिर्फ उनकी गवर्नमेंट सेफ रहे बाकी सारे लोग मर जाएं? ऐसा तो नहीं सोच सकती। सर मुझे मुझे क्लियर बताएं, अगर आपको पता है एक क्राउड होता है, एक चार्ज क्राउड होता है, बिल्कुल होगा, उसको अगर रोका जाएगा तो रिटेलिएट करेगा, रिटेलिएशन होगी, उसका बहुत संगीन नतायज उसके उसके बरामद होंगे, और फिर उसके बाद गवर्नमेंट के रहने का जवाब कतन नहीं होगा, इसमें कोर्ट को इंटरफियर करना पड़ेगा। फिर सर अगर गवर्नमेंट एक जगह दे देती है तहरीक इंसाफ को, तो ठीक है, जगह दे देती है तो शायद ये मामला डिफ्यूज हो सकता है। हाँ जी, उनको जगह मिलनी चाहिए, गवर्नमेंट देती है ना दे, हमें गवर्नमेंट से कोई सरोकार नहीं है, ये हमारे बेसिक राइट है कि मेरा जहां जी चाहेगा मैं बैठूंगा, जहां जी चाहेगा मैं धरने दूंगा। रेड जोन, देखिए रेड जोन एक ठीक है, वो रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, उसके मुतालिक हम नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन हम जो रेड जोन नहीं है वहां पे किसी भी जगह, पूरे रावलपिंडी में, इस्लामाबाद के अंदर भी प्रोटेस्ट करने का बेहतरीन मौके हैं, पार्क में, F9 पार्क में कर सकते हैं, बड़ी वेरी बिग पार्क, दैट इज ए वेरी गुड प्लेस एज वेल, तमाम चीजें उनके लिए, उनके उनके लिए भी साजगार है, हमारे लिए भी साजगार के लिए भी सहूलियत है। सलमान साहब, ये तो एक पॉजिटिव सिचुएशन है, एक न्यूट्रल प्लेस है, गवर्नमेंट अभी तक क्लियर नहीं है, और हम देख रहे हैं कि एट एनी टाइम, क्योंकि जो फासला है इस्लामाबाद से वो देखा जाए तो चंद घंटों का भी नहीं रह गया, तो काफिला अपना बहुत स्लो मूव कर रहा है, बहुत सी वजूहत है, हम भी समझते हैं, आज ये काफिले को इस्लामाबाद में जगह ना दी जाए और अगर ये रुकावटें खड़ी रही तो सर फिर क्या होगा, क्योंकि वहां पे जो ऑलरेडी पुलिस फोर्स खड़ी है वो एक महीने से वहां मौजूद है, वो फटीग्ड है, वो टायर्ड है, शायद उनकी डिसीजन मेकिंग भी इस वक्त इफेक्ट हो रही भी है, तो सर क्या होगा, क्योंकि अगर ये क्लैरिटी नहीं होगी तो? देखिए बात फिर वही है कि कानूनी तौर पे रोका नहीं जा सकता, और जहां तक मैं समझता हूँ सर, अगर कानूनी तौर पर इजाजत नहीं दी जाएगी तो वहां भी तौहीन अदालत हो जाएगी ना, वहां भी तो गवर्नमेंट केस कर सकती है ना सर जी। तौहीन अदालत तो बहरहाल बहुत सारे चल मामले रहे हैं, में है, बहुत सारी चीजों में है और बहुत सारे चल रहे हैं, और मेरे ख्याल इतने इफेक्टिव नहीं है, लेकिन यह है कि जमहूरी हक है, उनको एक जगह इस वक्त तो यही कहा जा सकता है कि जगह उनको मिलनी चाहिए, और ताकि कोई ऐसी ऑलरेडी जो हमारा मुल्क इस वक्त इतनी प्रॉब्लम में, क्राइसिस में, कोई एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट ना हो। मैं समझता हूँ एक सिंबॉलिक इम्पैक्ट है इस्लामाबाद पहुँचने के लिए, तहरीक इंसाफ वहाँ पहुँच के अपनी एक पावर शो करना चाहती है। ये सारी गिदड़ भभकियाँ चल रही हैं। आखिरी सवाल, खान साहब हम देख रहे हैं इस वक्त इंजर्ड है, शदीद इंजर्ड है, खान साहब जब एक बार फिर से कंटेनर पर चढ़ेंगे तो गवर्नमेंट का क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए कि या उन प्रोटेस्टर्स को रोके या खान साहब की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को इंश्योर करें?
दोनों तरफ जो है गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। सर गवर्नमेंट की अगर फोकस ये होगा कि गवर्नमेंट लोगों को रोकने में लगी हुई है, गवर्नमेंट का फोकस नहीं, रुकावटें खड़ी करने पे है, गवर्नमेंट अगर रोकेगी तो उससे ज्यादा रिएक्शन आएगा। अब देखिए बिल्कुल सीधा सा फॉर्मूला है कि आप बॉल मारे दिवाल पर स्क्वाश खेलें तो बॉल रिबाउंड होता है, तो रिबाउंड होता है तो लोगों के जो रिबाउंड का सिलसिला है वो आप नहीं रोक सकते, ये नहीं रोक सकते। और ये बड़ा अहम है क्योंकि ये जो मौजूदा सिनेरियो है उसमें हम देख रहे हैं कि एक तो पहली पाकिस्तान तरीके इंसाफ के सरबरा इमरान खान साहब के लिए जो थ्रेट अलर्ट्स हैं वो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ते नजर आ रहे हैं, और अगर ये काफिला इस्लामाबाद में जब एंटर होगा और उसमें इजाजत ना दी गई, वहां पर इजाजत अगर लेट दी गई और इंतजाम ना हो सके, तो फिर ये जो तमाम तर जो लोग होंगे, जो क्राउड होगा वो हैंडल नहीं हो सकता, फिर वो क्राउड अपने लीडर्स की इंस्ट्रक्शंस के बगैर खुद मूव करेगा और फिर खुद अपने फैसले लेगा, अपने फैसले अपने हाथ में रखेगा, तो फिर गवर्नमेंट के लिए बहुत से ऑप्शंस हैं जो महदूद हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं आने वाला हफ्ता, ये 2 से 3 दिन बहुत अहम है। शेख रशीद साहब ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगले 8 दिन उनको सियासत के अदवार से बहुत ज्यादा अहम नजर आ रहे हैं, अहम फैसले होने हैं, अहम तब्दीलियां होनी है और अहम मामला को तय होना है। आज सदर पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब और इसहाक डार साहब की मुलाकात हुई, और इस मुलाकात के बाद भी कहा जा रहा है कि कोशिश की जा रही है कि दोनों अतराफ से मामलात को कंट्रोल किया जाए, मध्यम किया जाए, ना कि इसमें आग लगाई जाए, ना ही इसमें मजीद इजाफा किया जाए। उम्मीद करते हैं जो हो बेहतर, और एक बेहतर पाकिस्तान के लिए हम जब जो ख्वाब देखते हैं, हम जो उम्मीद लगाते हैं, वो पाकिस्तान हमारी नज़रों के सामने रहे। उम्मीद करते हैं तमाम तो सूरत हाल कंट्रोल में रहेगी। आप सब अपना ख्याल रखिएगा, अपने मेज़बान उनको इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।